वेलकम टू बुक बास्केट। क्या आपने कभी अपनी अंदरूनी आवाज को सुना है? क्या आपने उस आवाज को सुना है जो हमेशा आपके दिमाग में गूंजती रहती है? हाँ, वही आवाज जो बैकग्राउंड में आपके थॉट्स के रूप में दिन भर आपके दिमाग में चलती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दिन भर इतने सारे अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं? किसी इंसान में तो ये इतने ज्यादा प्रबल होते हैं कि वह बड़बड़ाकर खुद से बात कर रहा होता है। इस चीज को सेल्फ टॉक कहते हैं। आज की किताब में हम जानेंगे कि कैसे हमारी सेल्फ टॉक हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस को अफेक्ट कर सकती है। हम कैसे अपनी सेल्फ टॉक के बारे में जागरूक हो सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डी साइंस ऑफ सेल्फ टॉक बुक के बारे में, जिसे लिखा है इयान टूहोस्की ने। आगे बात शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि सेल्फ टॉक आखिर है क्या। सेल्फ टॉक हमारे दिमाग की अंदरूनी बातचीत है, जिसे हमारे दिमाग का ऑडिटरी पार्ट सुन सकता है। ये थॉट्स के रूप में होती है। कभी कभी एकांत में आप खुद से बात भी करते होंगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत सी बार हम अपनी इंटरनल कम्युनिकेशंस के प्रति जागरूक नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है कि यह प्रक्रिया हम इतनी बार कर चुके हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव सबकॉन्शियस एक्टिविटी बन गई है, जो अपने आप दिन रात चलती रहती है। ये बातचीत नॉर्मली किसी चीज के बारे में, हमारे कमेंट्स, किसी सिचुएशन के बारे में बातचीत, या वर्तमान में क्या चल रहा है, आपके साथ क्या हुआ, या आप इमेजिन करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर आप अपनी सेल्फ टॉक के पैटर्न को समझ गए तो यह आपको खुद के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका देगी। इससे आप यह समझ पाएंगे कि कौन से वह एरियाज हैं जिनमें आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, और आप उनके लिए अवेयर होकर अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल सकते हैं, जिनसे कि उन एरियाज में आप इम्प्रूवमेंट ला सकें। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी। इसके उल्टा पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और आशावाद के साथ जुड़ी होती है। इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव और डाइसफंक्शनल यानी विपरीत परिणाम देने वाली सेल्फ टॉक के बारे में जानना होगा। कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक वह सेल्फ टॉक है जो आपको अपने गोल्स अचीव करने की दिशा में ले जाए। डाइसफंक्शनल सेल्फ टॉक वह सेल्फ टॉक है जो आपको अपने गोल्स की दिशा में जाने से रोकती है, आपको अनप्रोडक्टिव बना देती है। आप टालमटोल करने लगते हैं और खुद को एक ही जगह पर फंसा हुआ पाते हैं। आपको यहाँ एक और चीज समझनी होगी कि नेगेटिव इमोशंस उतने बुरे नहीं होते जितना नेगेटिव इमोशंस के बारे में आप सोचते हैं। आप नेगेटिव इमोशंस के बारे में खुद से क्या बातचीत करते हैं, उससे ही वह इमोशंस आपकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इसकी वजह से आप सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, ना कि सॉल्यूशन पर। डाइसफंक्शनल सेल्फ टॉक में आप हमेशा पैसिव और हेल्पलेस रहते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक में आप अपने आप को अचीवर की तरह देखते हैं। आप अपने आप को चीजों को करने के लिए केपेबल पाते हैं। कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक में आप खुद से कहते हैं कि यस, मैंने पहले भी ऐसे चैलेंज फेस किए हैं, और करेज और हार्ड वर्क से आपने उन्हें ओवरकम किया है, और इस समय भी आप यह कर सकते हैं। जबकि नेगेटिव सेल्फ टॉक में आप पूरी तरह से सिर्फ समस्याओं पर केंद्रित हो जाते हैं। यहां पर आपको जागरूक होने की जरूरत है, और जब भी आप डाइसफंक्शनल सेल्फ टॉक करें तो कॉन्शियसली अपने आप को कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक पर लेकर आए। आप इसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एक पूरे सप्ताह अपने आप से की गई कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव सेल्फ टॉक की लिस्ट बनाएं, और उसके बाद सप्ताह के अंत में आप उस लिस्ट को पढ़ें कि आपने खुद के साथ किस तरह की बातें की है। उसमें देखें कि आप खुद से किस तरह की बातें ज्यादा कर रहे हैं। अगर यह 50-50 है तब ठीक है, पर अगर आप खुद से नेगेटिव बातें ज्यादा कर रहे हैं तो आपको यहां पर जल्दी से चेंज लाने की जरूरत है। नेगेटिव सेल्फ टॉक के बहुत सारे अनहेल्दी इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो यह आपको खुद के बारे में ही बैड फील करवाती है। इसका संबंध एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लो सेल्फ स्टीम और हमारी बैड फीलिंग्स के साथ होता है। इसके साथ ही ये हमारी परफॉर्मेंस को एवं पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। हम सब ने स्ट्रेस को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। हम जानते हैं कि यह कैसा होता है। स्ट्रेस एक तरह का फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है। स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं,
मसल्स में टेंशन, दर्द, अपर बैक में पेन, शोल्डर में दर्द, गर्दन में दर्द, हार्ट रेट बढ़ जाना, चेस्ट में पेन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हेडेक होना, नींद नहीं आना, ज्यादा स्वेटिंग होना और भी बहुत सारे रिस्पांस हो सकते हैं। एक थ्योरी कहती है कि स्ट्रेस बेसिकली फाइट ऑफ फाइट रिस्पांस है। जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, हम हमेशा एनवायरनमेंट के साथ फाइट ऑफ फाइट डील करते हैं। जब भी हमारे पूर्वज जंगल में किसी शिकारी जानवर को देखते थे तो वह टेंस हो जाते थे और बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाते थे। उनकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और वह खुद को प्रिपेयर करते थे, या तो फेस टू फेस लड़ने के लिए या फिर वहां से भाग जाने के लिए। वर्तमान में हमने मानव समाज को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित बना लिया है। अब हमें स्ट्रेस के दौरान उस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है, पर हमारा दिमाग अभी भी वही पैटर्न फॉलो करता है और जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो ये हमारे अंदर एड्रिनलीन के स्राव को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम फाइट ऑफ फाइट मोड में आ जाते हैं। बट वास्तव में अब उसकी जरूरत नहीं है। आज के समय में नेगेटिव सेल्फ टॉक थ्रेड्स को देखने के हमारे रूटीन की डिफिकल्टी को बढ़ा देता है और यह चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और हम तिल का ताड़ और राही का पहाड़ बना देते हैं। यानी कि एक छोटी सी चीज जो वास्तव में वैसी होगी भी नहीं, बट हम अपनी सोच में उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। हो सकता है अभी आप ये सोच रहे हो कि क्या पता आपकी नेगेटिव टॉक सच हो। क्या होगा अगर सच में चीजें वैसी ही हो जैसा मैं सोच रहा हूं? अगर सच में ही मैं असफल हूं तो? सबसे पहले आप यह समझो कि असफलता अस्थाई होती है। अगर आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी आगे आने वाली सफलता या असफलता को जज करते हैं तो वह सही नहीं है, क्योंकि आपको पहले मिली असफलताएं आपके पुराने कार्यों का नतीजा है, जबकि आपकी आगे आने वाली सफलता या असफलता आपके वर्तमान कार्यों का नतीजा है और वर्तमान पूरी तरह से आपके हाथ में है। जब आप चीजों को बिल्कुल क्लियरली देखेंगे और खुद को कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक की तरफ ले जाएंगे तो आपके लिए सच को स्वीकार करना और आने वाले चैलेंज को सफलता में बदलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और क्योंकि इस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद की सेल्फ टॉक को समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी सेल्फ टॉक को ज्यादा पॉजिटिव बनाकर अपनी आने वाली सफलताओं को बेहतर बना सकते हैं। अब जब आप यह जान गए हैं कि आप अपनी सेल्फ टॉक को कंस्ट्रक्टिव वे में ले जा सकते हैं, उसके बाद भी हेल्पलेस बने रहना आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करेगा और आपको इसे चेंज करने की जरूरत है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग के अंदर उठने वाली वह आवाज है जो आपसे कहती है कि मैं यह नहीं कर सकता। इसलिए खुद के ऊपर एक एहसान करो, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से फ्री करो और अपने फ्यूचर गोल्स की स्क्रिप्ट खुद से रिराइट करो और उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से लिखो। इसके लिए आपको खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर अटेंशन देना बहुत ही अच्छी हैबिट है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है कि यह आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक के इफेक्ट को कम कर देता है, और नेगेटिव सेल्फ टॉक का एब्सेंट होना अपने आप में एक पॉजिटिव आउटकम है। नेगेटिव सेल्फ टॉक के इफेक्ट के कम होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा और सब कुछ बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होगा। नेगेटिव इमोशंस के एब्सेंट होने का हमेशा यह मतलब भी नहीं होगा कि वहां पर पॉजिटिव इमोशंस होंगे, पर नेगेटिव इमोशंस के कम होने की वजह से आपको पॉजिटिव इमोशंस को अपनाने में ज्यादा आसानी होगी। जब भी आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनाने की बात करते हैं, तब आप अपने आप की कमान अपने हाथ में लेने की बात करते हैं और आप वही सब करते हैं जो आप करना चाहते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का आपकी क्रिएटिविटी और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ अगर कुछ गड़बड़ है तो भी आप उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दें और कहें कि नहीं, मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का सिर्फ इतना मतलब है कि यस, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैं पहले भी फेस कर चुका हूं और इस बार भी मैं इसे फेस करके सफल हो जाऊंगा। यह एक तरह की होप है जो आप अपने आप को देते हैं, और जब आप अपने दिमाग को होप देते हैं तो वह उस प्रॉब्लम में से निकलने के डिफरेंट तरीकों को खोज कर आपके सामने लाता है। हमेशा सकारात्मक रहने वाले लोग रियलिस्टिक रहते हैं। वह इस बारे में स्पेसिफिक होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वह उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है
कि वह अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब आप अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक को बढ़ाएं, तब अपनी फीलिंग्स और एक्शंस को ऑब्जर्व करें। ये जाने कि आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आप में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं। आप अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, तब आप अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। इसको जानकर आप अपनी सेल्फ टॉक को अल्टर कर सकते हैं और उस तरह की सेल्फ टॉक को बढ़ावा दे सकते हैं जो आपको अपने गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ा रही हों। जब भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, तो वह एक कदम पिछले एक कदम से आगे होगा और ऐसे करके आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक बेस तैयार कर लेंगे और आपके लिए खुद को इम्प्रूव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। शुरुआत में जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी सारी स्टेप्स एक्यूमुलेट होगी और फिर एक ऐसा फेज आएगा जहां से आप खुद में एक सडन इम्प्रूवमेंट देखेंगे। दुख की बात यह है कि दुनिया के 80% लोग इस एक्यूमुलेशन स्टेट में खुद को ऐसा समझ लेते हैं कि वह कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं और वह अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को क्विट कर देते हैं, जबकि वह 20% लोग जो इस समय धैर्य बनाए रखते हैं, वह एक्यूमुलेशन फेज को पार करने के बाद अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सडन अप मूव देखते हैं। ये बिल्कुल जादू की तरह होता है और ये रियल में होता है। एक और फैक्टर की यहाँ पर बात करना जरूरी है, वह है मोटिवेशन। मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग या फिर विक हो सकता है और ये टाइम के साथ बदलता रहता है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी विक हो सकता है अगर आप खुद की काबिलियत में भरोसा नहीं रखते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि विक मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप लगातार खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं और खुद की काबिलियत में भरोसा रखते हैं। आपको अपने दोस्तों के घेरे को भी बड़े ध्यान से देखना होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जो बार बार नेगेटिव बातें करते हैं और आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा करने से रोकते हैं। यकीन मानिए, आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग आपकी कैपेबिलिटी को डाउन करते हैं। अगर आपने शराब छोड़ने का निर्णय लिया है, तो आपके दोस्तों को उसमें आपकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त आपसे कहता है कि नहीं, एक छोटी सी ड्रिंक ले लो, इसका मतलब है कि वह आपको आपके गोल से पीछे खींच रहा है। पॉजिटिव पीपल्स आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इनकरेज करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे और हो सके तो वैसे रास्ते भी दिखाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से पहुंच सके। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो आप उसके प्रति इनकरेजिंग और सपोर्टिव रहते हैं। आप हमेशा प्रयास करते हैं कि कैसे आप उसके लिए बेहतर कर सकें। इसीलिए आपको खुद से प्यार करने की भी जरूरत है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तो आप खुद को भी हमेशा सपोर्ट करेंगे और सकारात्मक बातों को ही एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक का नंबर वन रूल है, खुद से प्यार करो और खुद से उस तरह से बात करो जैसा आप किसी ऐसे इंसान से करते हो जिससे आप प्यार करते हो। आप धीरे धीरे अपने दिमाग में नेगेटिव सेल्फ टॉक की वॉल्यूम को कम कर सकते हैं और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। जब आप डेलिब्रेटली अपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर ज्यादा अटेंशन देंगे, तो यह आपके लिए सफलता के ज्यादा रास्ते खोलेगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इज रिलेशन विद योर सेल्फ। इसलिए खुद से हमेशा उस तरीके से बात कीजिए जैसा आप किसी ऐसे इंसान से करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये बुक समरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए बुक बास्केट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।